अमित शाह के बंगाल जीतो अभियान का आज दूसरा दिन, पुरुलिया में करेंगे रैली को संबोधित। टीएमसी ने कहा शाह की रैली माहौल खराब कर सकती है। मॉनसून ने दी उत्तर भारत में दस्तक, कल रात से हो रही है दिल्ली में झमाझम बारिश, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। आज भी छाए रह सकते हैं बादल और हो सकती है अच्छी बारिश। कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार पर छा सकते हैं संकट के बादल, एक मंत्री समेत 9 विधायक पहुंचे सिद्धरमैया से मिलने। खराब मौसम की वजह से रोकी गई बाबा बर्फानी की यात्रा, मौसम विभाग द्वारा दी गई भारी बारिश की चेतावनी के बाद रोकी गई अमरनाथ यात्रा, आज होने थे पवित्र शिवलिंग के पहले दर्शन। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कल हुए मैचों में साउथ कोरिया ने जर्मनी को 0-2 से दी मात, तो वहीं स्विट्जरलैंड और कोस्टारिका के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसी हार के साथ जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है।